विधानसभा चुनाव नामांकन के अंतिम दिन कलेक्ट्रेट में लोगों की भीड़ रही। इसी कड़ी में किशनपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अमीन कागजी ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान अमीन कागजी अपने 5 समर्थकों के साथ में कलेक्ट्रेट पहुंचे और नामांकन भरा। कागजी के नामांकन में पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल भी मौजूद रही। इससे पहले कागजी ने संसार चंद्र रोड पर सभा का आयोजन किया। इस दौरान अमीन कागजी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता दिनेश कसाना ने। किशनपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अमीन कागजी नामांकन दाखिल करने पहुंचे हैं। अमीन जी से बात करें, अमीन जी आज नामांकन दाखिल कर रहे हैं, क्या पार्टी का एजेंडा रहेगा और उसके आप जीत हासिल करेंगे? देखिए, पार्टी का एजेंडा सबको जान है। हम पार्टी की जो मर्यादा है उसको मेंटेन करते हुए एक बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ने के उसमें विचारधारा से हैं। और यहाँ जो जिस तरीके से किशनपुर का मेट्रो और स्मार्ट सिटी के नाम पर जो बेहाल किया है जयपुर की किशनपुर को, किशनपुर एक ऐसा क्षेत्र है जो जयपुर की धड़कन है, जयपुर का दिल है, जयपुर की हर चीज उसमें रची बसी है। ये गंगा जमनी तहजीब की कॉन्स्टेंसी है। यहाँ प्यार मोहब्बत सुकून सब मतलब धर्म के लोग रहते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ उनके लिए जो हम संघर्ष करने का हमने संकल्प लिया है उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। आप देखिए कि पिछली एक उदाहरण देता हूँ कि 6 महीने 8 महीने पहले अजमेरी गेट का बड़े शान और स्वागत के साथ यहाँ की मुख्यमंत्री ने रिनोवेशन का उसका जीर्णोद्धार करा के रिनोवेशन किया। उसके अंदर जब लाइटें लगी तो वो 1.5-2 लाख रुपए की लाइटें थी और उनकी वारंटी थी 5 साल की। आज मेट्रो सिटी के नाम पर वो लाइटें तोड़ दी गई, उनको दूसरी जगह कर हटा दी गई और रोड मतलब जितना 3-4 करोड़ रुपए उस इवेंट पे इन्होंने खर्च करा उसको 4 महीने बाद में खत्म कर दिया और मेट्रो सिटी का काम शुरू कर दिया। करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए, अब 9-9 लाख रुपए की लाइटें लगाई जा रही है। ये जनता के पैसे का नुकसान नहीं है, हम सबको ये समझना पड़ेगा। विधानसभा क्षेत्र है उसमें परकोटे का बड़ा क्षेत्र आता है, जयपुर शहर की धड़कन कह रहे हैं आप, उसको क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? जब देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ है यातायात की बहुत प्रॉब्लम है, व्यापारी दुखी है। व्यापारी के लिए, व्यापार के लिए सबसे बड़ी बात होती है ग्राहक का सुगमता से दुकानों तक पहुँचना, तभी तो व्यापार करेगा आदमी। लेकिन यहाँ व्यापारी की स्थिति यह है कि व्यापार अगर मान लीजिए सूरज पोल से चांद पोल आना है किसी को तो 2.5 घंटे लगते हैं, तो कस्टमर कहाँ से आएगा? व्यापार पूरी तरीके से चौपट हो चुका है। व्यापार के लिए सुगम व्यवस्था यह है कि व्यापारी के द्वार पे कस्टमर सुगमता से पहुंचे और अपनी परचेजिंग करके ले जा सके, यही तो हमारा। संख्या में आपके साथ कार्यकर्ता पहुंचे हैं, यहाँ लगता है एक बड़ा हुजूम आपके साथ आया है, कितना समर्थन मिल रहा है आप? देखिए, समर्थन पूरा है, मैं उनसे अपील करके, क्योंकि आज हमने देखा कि एक एम्बुलेंस 3 एम्बुलेंस कल घंटों फंसी रही, तो हमारे बहुत सारे समर्थक होते हैं, उनसे मैंने इजाजत ली कि मैं आप सब लोगों की इजाजत से 2-4 लोगों के साथ फार्म भरने जाना चाहता हूं। तो उन्होंने जब आज अखबार में सारी बातें पढ़ी तो कांग्रेस के कार्यकर्ता इतने संवेदनशील हैं कि उन्होंने खुद ने मेरे को इजाजत दी कि आप जाइए अकेले फार्म भर के आइए 2-4 लोगों के साथ और हम आपका यहाँ इंतजार करते हैं। तो ये कांग्रेस की प्रतिबद्धता है समाज के लिए जो उन लोगों ने आज दिखाई है। अमीन जी अकेले पहुंचे हैं, बहुत अच्छा कार्य किया है, इसके लिए आपको धन्यवाद। लेकिन जो आपके बड़े अंतर से पिछली बार भी आपके और गुप्ता जी की टक्कर रही, इस बार उसको विनिंग में किस तरह बदलेंगे? देखिए, ऐसा है, आपको ये समझना होगा कि पिछली बार हमारी सरकार में 19 विधायक जीते थे और जयपुर जिले में 19 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं। 19 के अंदर आई वॉज द सेकेंड लास्ट रनर अप, मतलब दूसरा व्यक्ति में था जो मात्र 9,000 वोटों से हारा उस, और बाकी सब ज्यादा लोग वोटों से हारे। अब अगर आप देखते हैं तो जिस तरीके के 5 साल का इनका कार्यकाल रहा है बीजेपी का, निश्चित तौर से जनता दुखी है और कांग्रेस के लिए सत्ता में लाने के लिए मन बना चुकी है। बीजेपी के राम मंदिर का मुद्दा कितना साबित होगा? अरे भैया, 1992 से 4 बार सरकार बना ली, 1 बार मंदिर नहीं बनाया, 86 मंदिर तो किशनपुर में तोड़ दिए। इनकी बात छोड़ो, ये झूठे हैं, लोगों को बेवकूफ बनाने के अलावा कोई काम नहीं इनका। थैंक यू। तो ये थे किशनपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अमीन कागजी, जो अकेले अपने 2-4 समर्थकों के साथ कलेक्ट्री पहुंचे हैं। जाम की समस्या से आमजन को परेशानी होती है, इसके लिए वो अकेले आने का निर्णय लिया है और जो राम मंदिर के बीजेपी के मुद्दे हैं उन पर भी उनका साफ कहना है कि जो बीजेपी है वो स्पष्ट तौर से परकोटा क्षेत्र में सैकड़ों मंदिर तोड़ चुकी है और
उनका जो चुनावी मुद्दा है वो राम मंदिर का मुद्दा रहता है। वीडियो जर्नलिस्ट अमृतन सैनी के साथ दिनेश सिंह, एवन न्यूज, जयपुर। आज हमने ये संकल्प लिया है सारे साथियों के साथ, कांग्रेस के लोगों के साथ, कि अब की बार मोहनलाल जी इस सत्ता में नहीं आएंगे, विधायक नहीं बनेंगे, कांग्रेस की सत्ता होगी, कांग्रेस के विधायक होंगे और जनता जो हमसे अपेक्षा करती है, जो उम्मीद करती है, उस पर हम खड़े उतरेंगे। जिस तरीके से 15 साल से किशनपोल का हाल बेहाल हुआ है, उसको लेकर हम जनता के सामने उनके मुद्दों को लेकर, जिस तरीके से जनता परेशान है, रोजगार की युवा बेरोजगार है, महिलाओं के लिए शिक्षा चिकित्सा की प्रॉब्लम है, यातायात की प्रॉब्लम है, GST ने व्यापारियों को बहुत परेशान किया है।